हमारे पूर्व मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी 10 लाख का नारे लगा के कह रहे जीतूंगा, तो मुझे आपकी तो पता नहीं, लेकिन आम जनता ने 10 लाख तो फारिग कर दिए। अब वो हारेंगे कितनी वोटों से, उस गिनती को शुरू करें। मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से 15-20 दिन पहले भी कहा था, साल 6 महीना से जब हम कहीं ब्याह शादी दुख सुख में जाते थे तो लोग कृष्ण पाल गुर्जर की नाराजगी जाहिर करते, लेकिन विकल्प नहीं था। अब जब रास्ता सामने विकल्प आ गया, चौधरी महेंद्र प्रताप का नाम आ गया, तो फरीदाबाद से एक लहर चली और वो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से करबन बॉर्डर तक एक लहर चली कि मैं कृष्ण पाल गुर्जर को हराना। ब्राह्मण हो, लाला हो, सातो जातो में कोई समाज हो, सब ये कह रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर की विदाई करनी है। अगर अब भी किसी के कीटाणु है बीजेपी के, वैसे तो रहे ना, फिर भी उनमें कीटाणु वालों से कह रहा हूँ कि वो अपने कीटाणु निकालें और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करें। मैं आपके माध्यम से कीटाणु वालों से कई बार कह रहा हूँ, अभी कई दिन है कीटाणु फेंके और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम। आपने समर्थन दिया, भाजपा ने समर्थन दिया, कृष्ण पाल जी से पूछा था कि पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायकों ने समर्थन किया है कि किस तरह का कब होने वाला इलेक्शन, तो उनका जवाब था कि कोई किसी को समर्थन दे ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को वोट जाना है तो मोदी को देंगे। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो 2-3 वायरल हो रहे हैं वीडियो, लालाओं को तो कह दिया तराजू तोलो, तुम भी चुनाव लड़ोगे? ठीक, कह कोई लाला है, व्यापारी है, चुप है, लेकिन वो ये गहरा बदलाव करना बॉर्डर से बॉर्डर का लाला, और उससे भी नहीं, गुड़गावा सोने सब साइड के भी कह रहे भैया हराओ जरूर, क्योंकि यू तो हम पे तराजू तुलवा रहा हूं। एक दूसरा जिला प्रधान देखो, दुर्भाग्य देखो हमारे, अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ, ये 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें मंत्री जी उसके हाथ को झटक रहे हैं, मतलब उसका अपमान कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष राजकुमार फरीदाबाद राजकुमार बोरा जी, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, हमारे कर्म नहीं फूट गए, लेकिन फिर भी हम उस सरदार जी ने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस करी, उसने कि इसका बदला हम 25 मई को बटन दबा के लेंगे। ठीक है, यही बैंक बोर्ड था बीजेपी का। भाजपा में ज्यादातर नेताओं का अपमान की जा रही है, क्या इसका घमंड है, क्या ये लगाना चाहते नेताओं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपका है शेरावत जी, ये इसका घमंड ही बोल रहा, और जब घमंड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं 10 साल में पाप का गड़ा फूट लेगा, इसका बड़ा कारण है। आपको मैंने दोनों समाज गिनवा दिए, मैं ब्राह्मण समाज भी कहता हूँ जो बीजेपी से जुड़ा है, कई गांवों में मेरी बात हो भी जा भी रहा, वो भी कह रहे बदलाव करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी वोट बैंक रह गई जिससे ये चुनाव जीतना चाह रहा है कृष्ण पाल गुर्जर? अच्छा विकास देखो, आप विकास कह लो, फरीदाबाद में आप कहोगे इसके इतने इतने स्कैंडल खड़े हैं कि उसका कोई पैमाना नहीं है, मतलब हजारों करोड़ रुपए अगर उनकी गिनती जाए तो 1000 करोड़ रुपए के स्कैंडल खड़े हैं। निष्पक्षता से चांस हो तो जीत जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जेल जाएगा, और ये भी, और ये तीनों चारों आठों विधायक भी जेल जाएंगे, निष्पक्षता लेन करेगा कौन? आज इनकी सरकार सरकार बदल जाती है हरियाणा में, तो निश्चित इनका जेल जाना तय है। अच्छे लोगों की बातों का जवाब देता हूँ मैं, हर किसी की बात का जवाब नहीं देता, व्यक्तिगत आलोचना मेरी फितरत में नहीं है, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं असूलों की लड़ाई लड़ता हूँ। आप 10 साल से मुझे लोकसभा के, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी आलोचना की है? कौन दूध का धुला है अगर मैं बोलने पे आ जाऊं, लेकिन चुनाव ये चुनाव है, इसलिए जिनके चेहरों पर कालिक पुती है ना, जिनके घर शीशे के बने हुए उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मानने चाहिए। और बात सुनो,
एक कृष्ण पाल खानदानी आदमी है, जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति कृष्ण पाल पर कोई आरोप सिद्ध कर दे, ये जुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, सबको टिकट कृष्ण पाल कहां से देगा? हर कोई टिकट चाहता है, कहां से देगा? ये पार्टी नहीं करती है। तो इसलिए ये दर दर की ठोकरें खाने वाले हमको रास्ता ना दिखाएं। ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है, देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी लड़ाई है। इनके पास तो ना चेहरा बचा है कांग्रेस के पास, ना इनका चरित्र बचा है। निष्पक्षता जांच नहीं कराई, फिर जो घोटाले हुए, जो अदलखा वगैरह के नाम आए हुए, तो ये वो कहते ना छाज तो बोले बोले छलनी भी बोले।